आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसकी शुरुआत में निदा फाजली साहब उनका एक शेर है उससे करना चाहता हूँ। इतना प्यारा शेर है ना, कहा है कि रोया मैं परदेश में भीगा माँ का प्यार, रोया मैं परदेश में भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये मतला है शेर, और इसके बाद जो शेर है जिसके मुतालिक आज हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है और बाहों भर संसार। कि अगर आप समझेंगे कि जितना आपको दिख रहा है बस उतना ही आसमान है, और जितना बाहों में आ जाए उतनी तो दुनिया है। पर इससे उलट एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरह जितना दिख जाए उतना आकाश है, जितना बाहों में आ जाए उतना संसार है, उसी तरह से जितना आप सोचेंगे ना सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि बड़ा सोचें। अब जैसे एक गलती जो मुझसे बचपन में हुई, बहुत मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं आया, ये नहीं कह सकता कि बहुत गरीब परवरिश है, क्योंकि अब मेरे माँ बाप ने तो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो जो भी उनके पास रिसोर्स थे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो भी उनके पास संसाधन थे उससे तो उन्होंने पाला ही है। तो ये कहना कि अरे बड़ी गरीबी के दिन रहे वो गलत होगा मेरे ख्याल से, पर हाँ खुश दिन थे, अच्छे दिन थे, सिमटे हुए दिन थे और अपनी हैसियतों के दिन थे। और उसी के चलते मैंने कभी जिंदगी में अपनी कॉपियों पे, स्कूल में जब आप नए क्लास में जाते हैं आप नई कॉपी खरीदते हैं उन पे कवर चढ़ाते हैं और उन पे चढ़ाते हैं आप स्टिकर, तो मैंने कभी भी किसी कॉपी पर वो महंगी कूल कारों वाले स्टिकर नहीं लगाए, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि हमारी हैसियत या हमारी औकात होगी ये सब खरीदने की, मिलने की, या हमारे ख्वाब में भी नहीं था। और हमारे से मेरा मतलब है कि मेरे भाइयों के, मेरे पापा के, हमें से किसी को नहीं लगा कि हम ये कभी अचीव कर पाएंगे, इसलिए मैंने कभी ये परसू ही नहीं किया। जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। बारहवीं तक ये सब चलता रहा, उसके बाद अचानक से एक दिन जब मैं अपनी कोर्स की किताबें अपनी दोस्त के साथ खरीद रहा था और मैंने कहा स्टिकर देना भैया फ्रूट वाले कार्टून वाले कुछ ऐसे, कहा होगा, उसने कहा पागल है क्या, ये सब थोड़ी लेते हैं, कार वाला ले लेना कितना कूल लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार वो मैं नहीं लेता कार वाला, कहती क्यों। और इतना वल्नरेबल मोमेंट था ना वो कि मेरे मुंह से सच निकल गया कि वो क्योंकि यार मुझे लगता नहीं कि हम कभी गाड़ी खरीद पाएंगे इसलिए। तो उसने ऐसे हंस के बड़ी बेख्याली में कहा था कि अरे पागल है क्या, सोचेगा नहीं तो होगा भी नहीं। वो शायद पहली बार था तब मैंने कार वाला स्टिकर लगाया। और जिंदगी का फेर देखिए, बहुत सार अलग अलग शहरों में रहा, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। और इतनी खूबसूरत बात है ना, जिन कारों के स्टिकर मैंने लगाए थे कभी अपनी कॉपी पर आज से 15 साल पहले, वो आज घर में खड़ी हैं गैराज में मेरे। इतनी सी बात है कि सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। पिछले हफ्ते एक पार्टी हुई बंबई में जिसमें एक दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो है वो आए थे, और क्योंकि उनकी कंपनी के साथ हमारा रابطہ थोड़ा अच्छा है तो कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, कुछ 250-250 लोग ही थे वहां पे। शाहरुख खान वहां थे या रहमान वहां थे और हम थे वहां, बताइए। तो बस वैसे ही मतलब इतने सारे लोगों में से किसी को देख के मुझे वो नहीं हुआ, पर यार वहां पे आर माधवन था यार, और वो साइड में खड़े होके किसी से बात कर रहे थे, और मैं अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये मैडी है यार, पता है मतलब एक शायद बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा पर एक उम्र के लड़कों के लिए मतलब मैडी बहुत ज्यादा कल्चरल फिगर है, बहुत आइकॉनिक फिगर है कि रहना है तेरे दिल में जैसे मैडी था वैसा आपको बनना है लाइफ में। मतलब वो कैरेक्टर बहुत हमें तो बहुत इन्फ्लुएंस किया था। तो मैं से दूर से देख रहा हूँ और मेरे दोस्त ने बोला कि अरे दूसरे लोग तुझे देख रहे हैं। मैंने कहा अरे फर्क ही नहीं पड़ता यार, मैं तो मैडी को देख रहा हूँ यार। पर फिर हम खाना खा के वापस आए और 11:30-12 बजे जब पार्टी खत्म सी ही होने वाली थी और निकलने के ठीक पहले मैं खाना खा रहा हूँ, अचानक से एक हाथ मेरे कंधे पे आता है और मैं पलट के देखता हूँ तो वहां आर माधवन खड़े हैं और कहते भे भे बड़ी, और मेरी सांस अटक गई यार। मैंने कहा क्या। और भी बहुत अच्छे से याद है कि किसी ने कहा था कि तुमको जो अगर आर्टिस्ट कोई पसंद है तो उसको लेटर लिखना चाहिए, उसको मेल लिखना चाहिए। उस टाइम पे ईमेल ही नया नया आया था, हॉटमेल वॉटमेल। तो मेरी दोस्त बोली कि मैं तो इसको लिखती हूँ, मैं तो उसको लिखती हूँ। हाँ तू भी लिख दे, अगर तेरे को लिखना है किसी को आर माधवन वाधवन को लिखना है तो लिख ले। मैंने कहा अरे क्या लिखना है, किसी दिन मिल ही लेंगे और क्या। कहाँ एक मतलब इंदौर के खजराने में रह रहा लड़का, उसने ऐसी रैंडम कह दिया कि मिल लेंगे किसी दिन और क्या, उसमें क्या।
और देखिए ना, बोली हुई बात कितनी साकार होती है ना, आपकी जबान पे कई बार सरस्वती बैठी होती है, और जब आप कुछ ऐसा कहते हैं अच्छा बड़ा अपने बारे में, हो सकता है कि ऊपर से वो इशारा करें और कह दें तथास्तु। सोचा था और कह दिया, और कई बार कह देना चाहिए अपने बारे में कि हाँ करेंगे, बनेंगे बड़े आदमी, तो क्या मतलब, क्या पुलिस थोड़ी पकड़ लेगी कि अरे तुमने तो कहा था तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम तो छोटे रह गए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता उससे। आर्मादन से मुलाकात हुई, बहुत प्यार से बात की, उनका अरे मैंने वीडियोस देखे हैं तुम्हारे, मैं कहा है मेरे पास कुछ, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं कहा जी जी शुक्रिया थैंक यू कुछ इस तरह सा वो इंटरेक्शन रहा, बड़ा खूबसूरत इंटरेक्शन था, बड़ा बहुत यादगार मेरी जिंदगी में। तो जैसे कुमार जब वो बोल रहे थे सचिन के बारे में, तो मुझे वही बात याद आई, यार बताइए जिंदगी क्या क्या सब कुछ सरप्राइज लगता है, पर ये बात है ना कि वो भी दिन अपने थे और ये भी दिन प्यारे। तो बस कुल मिला के बात यह है कि एक ये नई कोशिश है जिसमें आपके बहुत सारे प्यार की जरूरत होगी, बहुत सारा आशीर्वाद आपका लगेगा इसके अंदर, क्योंकि क्या है कि ये सब ना, मतलब मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं किसी दिन रेडियो पे कुछ बोलूं, और उसी ख्वाब के चलते तो मैं इंदौर से दिल्ली गया था, पर वो हो नहीं पाया। और मैं रेडियो में जब काम करता था तभी मैं राइटर ही था, मतलब बैकग्राउंड पे रहा, मैं कभी सामने नहीं आ पाया। और ये देखिए ना, ये कितनी कमाल की बात है, आज ये करने को मिल रहा है, और यही खुशकिस्मत ही है। तो मुझे जब ये आया ऑफर, तो पूछा गया कि किस तरह की बातें करेंगे, आप क्या जोक करेंगे, आप क्या बातें करेंगे। और उसी दौरान इत्तेफाक से मेरे दोनों भाई आए हुए थे, तो मैं उनसे बहुत जिंदगी की बातें कर रहा था कि बेटा देखो ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को यही बातें करनी है, मेरे को तो जो सही गलत मैंने किया, जो बहुत शहर बदले, बहुत ऊपर नीचे रहा, थोड़ा बहुत नाम भी किया है, भूख भी देखी है, ये सब ऊपर नीचे मिला के, सही गलत हाथ से हालात मिला के, जिस कश्ती को तूफान में थाम के जो सारा समंदर पार किया है ना, उसका नाम उम्मीद है। और हर गलत बात और हर बुरे हादसे से जिस चीज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाला है, वो सारी बातें, वो सब चीजें, वो सब किस्से, वो सब कहानियां एक उम्मीद है मेरे लिए, जो मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जो मैं मेरे जूनियर्स है, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि ये सब तो मैंने गलती करके सीखा था, पर तुम्हें मैं पहले से ही बता रहा हूं। तो ये मेरा इंटेंशन है इस शो का, सुनिएगा जरूर, प्यार दीजिएगा इसे और बताइएगा कैसा लगा आपको।